हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एमपीआर आरओ चैनल। आज हम लोग सीखेंगे एक अक्वा प्रेस 16 लीटर का आरओ कैसे बनाता सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अक्वा प्रेस 16 लीटर का आरओ है, इसका असेंबल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले आरओ का वायरिंग कनेक्शन है। देखिए फ्रेंड्स, वायरिंग कनेक्शन में बढ़िया से सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आरओ का बारे में। घर का आरओ कैसे असेंबल करता है सब कुछ सीख जाएगा। देखिए, आप खुद आरओ सर्विस कर सकता है घर पे भी कहीं भी। देखिए, जो भी पूछताछ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी पेस न्यूट्रल का तार है। देखिए, पेस न्यूट्रल पे न्यूट्रल का तार है, एकदम सीधा जाके ये फ्लोट वाल्व है। देखिए, जो 8-8 स्विच है ना, उसमें से जाके फिर उसमें नीचे जाके दो लाइन आ रहा है ना, दो लाइन से फिर रिटर्न आके फिर अडाप्टर में जोड़ना है। बस इसका 8-8 का यही काम है। उसमें ऑलरेडी स्टार्ट करके रखता है, कंटिन्यू बिजली आते रहेगा। अगर वो फ्लोट वाल्व है ना, अंदर से बटन दबा देगा तब 8-8 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लोट वाल्व का बता दिया और एक बार भी बता रहा है, फ्लोट वाल्व में दो तार आता है, वो दो तार में एक न्यूट्रल लाइन दे के फिर वापस लेके आना है, इनपुट दे के फिर उससे वापस लेके आना है, वापस लेके फिर अडाप्टर में देना है। वो लाइन का है, एक लाइन अडाप्टर से डायरेक्ट जाएगा। पेस लाइन है, जो पेस है ना, रेड कलर का तार है, वो पेस वाला डायरेक्ट जाएगा। जो बोर्ड से, बिजली का बोर्ड से अडाप्टर से डायरेक्ट दे दो, एक लाइन हॉटोकट से घूम के फिर आएगा अडाप्टर में, क्योंकि हॉटोकट होने से एक लाइन पूरा बंद हो जाएगा आरओ में। पेस है नहीं था, न्यूट्रल कोई भी एक लाइन दे सकता है, बंद हो जाएगा। अब चलिए उसका बाद एससी वाल बूस्टर पंप का है। अडाप्टर से जो आउटपुट आ रहा है वो कनेक्शन निकाल दिया है। देखिए, एससी वाल में एक तार जोड़ा हुआ, देखिए अलग अलग तार है, दोनों में वाइट भी रहता है, ब्लैक भी है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों अलग अलग जोड़ना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आगे देखिए सेडिमेंट फिल्टर है। देखिए फ्रेंड, सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है। अब देखिए, आरओ का बूस्टर पंप है 100 GPD है, PSI प्रेशर तक काम करता है, इसलिए 100 GPD बोलता है इसका है। बहुत बढ़िया है, एकदम बूस्टर पंप है, इसका बूस्टर पंप भी बोलता है, आरओ मोटर भी बोल सकता है। उसके बाद जो ब्लैक कलर आता है उसका अडाप्टर है, ये ब्लू कलर का ये छोटा वाला है ना, इसका एससी वाल्व बोलता है, सोलेनोइड वाल्व है। ये सोलेनोइड वाल्व का काम करता है, जैसे ये लगाना से अपना टैंकी से डायरेक्ट पानी देता है ना पाइप से, ये सोलेनोइड वाल्व तक पानी रुकता है। उसके बाद जैसे बिजली देगा आगे बढ़ाएगा, मोटर में पानी देगा ये सोलेनोइड वाल्व, नहीं तो पानी गिरते रहेगा। ये सोलेनोइड वाल्व नहीं लगाएगा, रोटेशन से पानी गिरते रहता, वेस्टेज भी जाएगा, वायर फ्लो होकर भी पानी गिरेगा। चलिए, सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर अभी लगा दिया, देखे इंस्टॉल कर दिया आपका सामने। ये सीडीमेंट कार्बन फिल्टर में एरो मार्क रहता है, उसी हिसाब से लगाना पड़ता है। चलिए, इसका यल क्लैंप लगा रहे हैं। देखिए, इसका यल कनेक्टर बोलता है, यल पुश कनेक्टर है इसका, बढ़िया से इसका नाम बताएं, यल पुश कनेक्टर बोलते हैं इसका है। देखिए फ्रेंड्स, यल पुश कनेक्टर इसमें चार चाहिए। देखिए एरो मार्क किस तरह पर, वो इनपुट का है। अब देखिए वाटर इनपुट का चेक करते हैं। देखिए, अब ढक्कन लगा के भी आपका दिखाऊँगा कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। देखिए फ्रेंड्स, अभी लगा रहा है, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा ये भी। देखिए ऐसे लगा दिया, इन है आउट है, अब दिखा दे रहा है ना फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा था एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो के बारे में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब चलिए, इनपुट कनेक्शन है, इसमें वीडियो फास्ट नहीं रहेगा, वीडियो ज़्यादा लेंथ जाता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इनपुट का पाइपलाइन है। देखिए, इनपुट का पाइप कनेक्शन दे दिया, सबसे पहले इनपुट में दे दिया है। सेडिमेंट फिल्टर है, नहीं तो कार्बन फिल्टर में दे सकता है, लेकिन एरो मार्क का जैसे देना है, जैसे इनपुट वाला दिया उस तरह पर एरो मार्क है। देखिए, ये आउटपुट है ऊपर वाला का। अब इसमें भी ये पुश कनेक्टर लगा दिया, फिर नीचे का इनपुट होगा। देखिए, ये दोनों को स्टार्ट करना है एक पाइप से। देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम आराम से बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत वीडियो डाला है, थोड़ा पास्ट में वीडियो बना के डाल दिया, इसमें से थोड़ा आराम से डाल रहा है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप भी डाल रहा है, इसमें ज़्यादा पास्ट का भी नहीं रखा हमने। देखिए, इसका काटना है, जैसे नापना है
नाप के इसका एकदम बढ़िया से इसका कट कर देना है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना, उसके बाद लीक हो जाएगा। एकदम बराबर रख के टाइट कर देना है पूरा। अब चलिए कनेक्ट कर दिया। अब इधर से इनपुट पानी होके फिर नीचे आके फिर यहाँ से सेडिमेंट फिल्टर है कार्बन फिल्टर में जाएगा। देखिए फिर यहाँ से आउटपुट आएगा, घूम के आएगा, सेडिमेंट फिल्टर है कार्बन फिल्टर होके घूम के फिर आउटपुट आ रहा है। इसमें से यसी वाल में देना है। अब देखिए सोलेनोइड वाल्व है, इसमें भी इनपुट आउटपुट लिखा रहता है। एसी वाल्व में भी इनपुट आउटपुट रहता है। बढ़िया से चेक करके जो इनपुट कनेक्शन है उसमें मेन कनेक्शन में देना। इनपुट में देखिए इनपुट उधर है, अब पाइप लगा रहे, देखिए इनपुट में लगा दिया। ये इनपुट है, देखिए सेडिमेंट फिल्टर का है। अब देखिए कनेक्शन कर दिया। अब देखिए एसी वाल्व हो गया। एसी वाल्व के बाद बूस्टर पंप में जाता है। अब आप टैंकी से पानी को लेगा, दोनों फिल्टर है सेडिमेंट फिल्टर कार्बन फिल्टर भर के सीधा आके पानी रुकेगा एसी वाल्व से। जैसे एसी वाल्व से आप बिजली देगा जैसे चालू करेगा, उसके बाद ये बूस्टर पंप है। देखिए मोटर पे कैसे लगा रहे हैं, देखिए इन साइड पे आपका बढ़िया दिखा रहे हैं, टेढ़ा करके भी दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत मेहनत से वीडियो बनाया था, देखिए वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स हमारा एमपीआर आरओ चैनल का आप लोग का सपोर्ट जरूरी है। फ्रेंड्स जो भी पूछताछ करना है ज़रूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अब इनपुट कनेक्शन है, जैसे मोटर का इनपुट है, पाइप ज़्यादा लेंथ भी नहीं रहना है, लेंथ रहेगा फिर लीक हो जाएगा फिर टाइट हो जाता है। अब चलिए सोलेनोइड वाल्व में लगा दिया मोटर का इनपुट में। देखिए ये मोटर का इनपुट कनेक्शन है। उसके बाद इधर वाला है मोटर का आउटपुट है, इसमें एरो मार्क भी रहता है मोटर पे, बूस्टर पंप बोलता है इसका है, 100 GPD लिखा है। देखिए बढ़िया प्रेशर देगा एकदम। देखिए बूस्टर पंप का आउटपुट है ये, आउटपुट से एक टी लगा रहे हैं। देखिए टी किस चीज़ का बताऊंगा, एक लाइन जाएगा TDS एडजस्टर के लिए, एक लाइन जाएगा मेमरिन के लिए, बस इसके लिए यहाँ टी लगाना है। देखिए फ्रेंड्स TDS एडजस्टर ज़रूरी है, अगर मेमरिन से पानी बहुत TDS कम हो रहा है उसका बढ़ाने के लिए TDS एडजस्टर है। अब चलिए UV रेडी करते हैं, UV का कनेक्टर लगा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स अल्ट्रावायलेट भी ज़रूरी है। ये मेमरिन हाउसिंग है, देखिए अभी मेमरिन इंस्टॉल नहीं किया। अब चलिए क्लैंप लगा देते हैं, उसके बाद मेमरिन हाउसिंग लगाता है। इसमें क्लिप लगा दिया है, चलिए उसके बाद मेमरिन हाउसिंग है। देखिए मेमरिन हाउसिंग लगा दिया, इसका अंदर रहता है मेमरिन, अभी मेमरिन नहीं डाला है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, मेमरिन भी डाल दूंगा है। देखिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब देखिए टी कनेक्टर से RO मेमरिन के लिए कनेक्शन दे रहा, अभी देखिए ये पाइप दे दिए फ्रेंड्स। अब देखिए इसका पाइप थोड़ा लंबा था इसलिए काट दिया, ऐसे आप लोग भी काटना पड़ेगा। अपना घर पे खुद RO सर्विस कर सकता है। RO के बारे में जो भी पूछताछ करना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अब चलिए लगा दिया है, मेमरिन से आएगा इनपुट आउटपुट है, दो कनेक्शन आता है, एक रिजेक्ट वाटर का एक ड्रिंकिंग वाटर का है जी। अब देखिए इनपुट आउटपुट का है, देखिए इन ने आउट है, फिर देखिए ढक्कन लगा के भी एक बार देख रहे हैं आउटपुट है इनपुट कौन सा है। जैसे आउटपुट है उसमें FR450 आएगा। देखिए फ्रेंड्स अभी आउटपुट का पाइप लगा दिया है, देखिए ये पाइप कहाँ से आ रहा है, देखिए यहाँ तक आके फिर FR450, देखिए FR450 में इसका लगाना है। देखिए जो आगे वाला है ये ड्रिंकिंग वाटर का, उसका पीछे वाला है रिजेक्ट वाटर का है। अगर आप लोग पता नहीं चलता है, डाउट है, इसमें से जो RO चालू करके देखना है किस में से जल्दी पानी आ रहा है वो रिजेक्ट वाटर का है, ड्रिंकिंग वाटर लेट में पानी आता है। देखिए FR450 लगा रहे हैं, ये ज़रूरी है RO में FR450 है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी आता है ना प्रेशर से, जो मोटर का प्रेशर मेमरिन का अंदर जाएगा ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है,
इसका कंट्रोल करके रिवर्स ओमेसिस से बैक प्रेशर देता है, इसमें से हम लोग बैक प्रेशर से ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है उसमें फिल्टर करके, इसलिए आरओ बोलता है। आरओ का मीनिंग रिवर्स ओमेसिस। देखिए फ्रेंड्स, अब चलिए मेमोरी हाउसिंग लगा दिया, अब इसका नीचे कर देते हैं थोड़ा पाइप का ड्रेसिंग, जैसे ड्रेसिंग बढ़िया होना है ना। अब चलिए हाउसिंग नीचे कर दिया, अब देखिए इसका FR का जगह भी चेंज कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका जगह भी चेंज कर दिया एकदम, पूरा एकदम बढ़िया फिट हो जाएगा। वो रिजेक्ट वाटर का है, ये आगे वाला ड्रिंकिंग वाटर का है। अब देखिए लगा दिया है, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर का करना है। उसके बाद अभी चलिए SV, जैसे बोल रहा है UV। अब देखिए ये ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन है, ये एक TDS एडजस्टर का है, एक T लगा दिया ना, ये TDS एडजस्टर का, TDS बढ़ाने के लिए। TDS एडजस्टर कभी भी TDS कम नहीं होता है, उससे TDS बढ़ाने के लिए। अगर आपका मेमोरी से TDS ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आना से कम नहीं होता है, TDS एडजस्टर बढ़ाने के लिए, खाली बढ़ाने के लिए है। बढ़िया से सुन लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी आर ओ पे ये TDS मीटर रखा है ना, ये TDS मीटर का मीनिंग इसका TDS बढ़ाने के लिए है, टोटल डिसॉल्वड बोलता है, इसलिए TDS मीटर का है। इसका TDS एडजस्टर अलग होता है, TDS मीनिंग अलग होता है, ये TDS एडजस्टर है। जैसे पानी चेक करता है उसका TDS बोलता है, टोटल डिसॉल्वड वाटर का है चेक करता है उसका TDS मीटर बोलता है, ये TDS एडजस्टर है। जैसे पानी का TDS है ना, उसका कंट्रोल करता है ये वाला है। इसमें टैप टाइप भी आता है, स्क्रू टाइप भी आता है। स्क्रू टाइप सबसे बढ़िया है आप लोग का है। देखिए स्क्रू में, क्योंकि एडजस्ट करने में सही रहता है, पानी बूंद बूंद इसमें एकदम एडजस्ट कर सकता है, TDS कम ज़्यादा कर सकता है। लेकिन वो टैप टाइप में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उससे जैसे कम खोलेगा ज़्यादा ही पानी आएगा, कंट्रोल नहीं होता है उससे। अब चलिए ये TDS एडजस्टर है, इसका ये काम क्या है, TDS एडजस्टर का काम है, कभी भी आपका RO में जैसे मेमोरी से डायरेक्ट पानी TDS 50 से कम होने से इसका बढ़ाने के लिए, 50 से कम होगा इसमें से मोटर का सेडिमेंट कार्बन फिल्टर से होके, मोटर से होके पानी इसमें से एक पाइप लगाएगा, ये पाइप से वो स्क्रू हल्का से लूज करेगा, TDS बढ़ जाएगा, वही पानी इसमें ड्रिंकिंग वाटर में मिलाने से TDS ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने ऑलरेडी TDS बढ़ा के रखा है तब कम हो जाएगा, अगर TDS बढ़ा के नहीं रखा है आपका मेमोरी से 300-400 TDS आ रहा, मतलब TDS कम नहीं होता है, वो मेमोरी ने बदलना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, TDS एडजस्टर का लगा रहे, देखे फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए यही है TDS कंट्रोलर का है, देखिए अब लगा दिया। देखिए ये पाइप कहाँ से आ रहा है, TDS सजेस्टर का है, ये बूस्टर पंप है ना, वहाँ T लगा हुआ ना, वहीं से आ रहा है। जैसे RO चालू हो जाएगा ना, वहाँ से बहुत प्रेशर से पानी आता है वहाँ TDS कंट्रोलर तक है। उसके बाद जो स्क्रू है ना, उसका हल्का लूज करके प्रेशर का पानी ऊपर आ जाता है, वही पानी ड्रिंकिंग वाटर में ये T लगा के मिलाना पड़ता है। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, देखिए पाइप लगा दिया है, यहाँ से भी T लगा सकता है, अगर नीचे भी लगा सकता है, बाद में हम चेंज कर दूंगा, अभी दिखाने के लिए लगा रहे। देखिए T लगा दिया है, यहीं से भी 3 कनेक्शन निकाल सकता है, नहीं तो मेमोरी का पास भी T लगा सकता है, इधर L लगा के मेमोरी का पास भी लगा सकता है। देखते हैं किस तरफ आसान से हो जाएगा, उसी तरफ ही करना है, ज़्यादा पाइप टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए करवा दूंगा जैसे तैसे। अब देखिए UV का है, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं इसका है, एकदम बहुत पावरफुल है, UV का है, अल्ट्रावायलेट है। इसमें जो भी अपना अंक जो नहीं दिखाई दे रहा है, कीड़ा वगैरह जो भी रहता है, जो हो जाएगा वो मर जाएगा, UV है उसका, UV बैक्टीरिया वगैरह मर जाता है, जो भी है केमिकल का है, जो ज़्यादा है अपना आँख से पता नहीं चलता है, उसे छोटा छोटा कीड़ा वगैरह रहता है, उससे बाई चांस कुछ भी जाएगा, चिट्टी भी जाएगा, अंदर से मर जाएगा, पूरा फिल्टर भी कर देगा, मर भी जाएगा, इसलिए ये अल्ट्रावायलेट लगाना ज़रूरी है।
अब खाली नॉर्मल आपने 10 मिनट इसका 5 मिनट भी यूवी का कंटिन्यू देख लिया तो आपका आंख में दर्द होना लगेगा तुरंत। इसका पावर है उतना ही अल्ट्रावायलेट का। अब चलिए यूवी लगा रहा है, देखिए यूवी का क्लैंप लगा रहा है। यूवी का क्लैंप लगा के उसके बाद कनेक्शन कैसे दे रहे हैं देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एकदम आराम से बता रहे हैं आप लोग का आर ओ कैसे बना रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग घर पे खुद आर ओ बना सकता है, असेंबल कर सकता है, नहीं तो अपना आर ओ खुद सर्विस कर सकता है घर पे। देखिए आर ओ में कुछ भी नहीं, खाली टेक्निकल का दिमाग होना चाहिए इसमें से। देखिए फ्रेंड्स, यूवी क्या लगा दिया, सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर, जैसे मेमोरिन से जा रहा ना कनेक्शन, मेमोरिन से होके यूवी में जाएगा अल्ट्रावायलेट में, क्योंकि जैसे ड्रिंकिंग वाटर पानी आता है मेमोरिन से, मेमोरिन का बाद उसमें यूवी में जाएगा, यूवी के बाद फिर ऊपर है यूएफ फिल्टर है, जो भी छोटा मोटा फिल्टर है एक्स्ट्रा जो भी आपका चाहिए, कैल्शियम वाला, आयरन वाला, जो भी फिल्टर लगा सकता है आर ओ में, कोई भी ये फिल्टर है ना एक्स्ट्रा फिल्टर हटा के लगा सकता है। देखिए अभी इनपुट दे दिए, अब हो गया वाटर इनपुट का। अभी ये कनेक्शन भी हटा के TDS एडजस्टर का भी बनाना है आप लोग का दिखाने के लिए, हमने लगा के दिखाया है। देखिए अब चलिए, देखिए इनपुट का यहाँ से हो गया, देखिए मेमोरी ने आर ओ मेमोरी से ओके यूवी में जा रहा है, यूवी से आउटपुट का कनेक्शन अभी नहीं दिया है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अब चलिए उसके बाद ये क्लैंप लगा रखी, यूएफ फिल्टर है, मिनरल कैल्शियम का है, कॉपर एल्यूमिनियम का है, जो भी है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी वाला फिल्टर दो लगेगा ऊपर पे। देखिए ये अल्ट्रावायलेट बताया ना, जो यूवी यूवी से इनपुट होके फिर आवर एक कनेक्शन आउटपुट होके फिर जाएगा छोटा फिल्टर पे। अब देखिए प्रेस लगा दिया पूरा है। अब चलिए अक्वा प्रेस का ये कॉपर फिल्टर भी लगा दिया, यूएफ फिल्टर भी लगा दिया। देखिए अब लगा रहे, देखिए जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, कहीं भी कनेक्शन का जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो का शेयर कर दीजिए, MPR RO चैनल का आप लोग सपोर्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए छोटा फिल्टर भी लगा दिया है, ये छोटा फिल्टर है, एक कॉपर वाला का है, एक यूएफ फिल्टर है, जो यूवी से जो फिल्टर होके जाएगा वो पानी फिल्टर कर देगा, पानी मीठा करने के लिए इसमें मिला रखा है यूवी यूएफ फिल्टर है। ये दोनों अटक है, हम दूसरा फिल्टर भी लगा सकता है आपका मर्जी है। देखिए फ्रेंड्स एकदम बढ़िया हो गया है आर ओ का है। देखिए अभी आर ओ का कैसे रहता है, आर ओ का जैसे बना दिया पूरा है। देखिए और कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए अभी ड्रिंकिंग वाटर आउटपुट निकालता ना, जो पीना का पानी है उसी का ही फाइनल कर रहा है। देखिए अब फाइनल हो गया ना, उसी का ही लगा दिया कनेक्शन। देखिए मेमोरिन, मेमोरिन से यूवी, यूवी से आउटपुट होके फिर यूएफ फिल्टर है, फिर कॉपर फिल्टर से होके बाहर निकाल गया। चले प्रंस, ये इसका यूवी लगाया ना, उसका तार जोड़ रहे हैं LED का। देखिए LED तार है, अडाप्टर से कोई भी दो तार होगा, दो तार में अलग अलग जोड़ना है, कोई इसमें पेस न्यूट्रल का कुछ भी नहीं। जैसे अडाप्टर से दो तार आता है, दो तार में इसमें दो तार रहता है, LED में अलग अलग एक एक तार जोड़ना है बस। इसमें कोई पेस न्यूट्रल का जरूर नहीं, ऐसे भी जोड़ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं जोड़ना, अलग अलग जोड़ना है बस। अब देखिए बढ़िया से जोड़ दिया, इसका टोपी लगा रहा। देखिए फ्रेंड्स, टोपी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो टेप भी लगा सकता है। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया लगा दिया है। अब 16 लीटर का है,
घर में यूज होता है वो वाला आरओ है। ये आरओ का कैसे असेंबल करता है सीखिए, सीख के घर पे खुद आरओ सर्विस कर सकता है आप लोग का ने, किसी को बुलाने का जरूर नहीं। वीडियो देखते रहिए, जो भी पूछताछ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स यूवी है, देखिए बढ़िया चल गया यूवी कनेक्शन का। देखिए अभी टेप नहीं मारा है, चेक करने के लिए चालू किया था। देखिए अल्ट्रा वायलेट एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है यार वो। अभी ये आटा कट वाला है, देखिए दो तार जोड़ा ना, जो शुरू से पेस न्यूट्रल का है, एक न्यूट्रल लाइन ही आएगा इसमें से, पेस से नहीं था न्यूट्रल कोई भी एक लाइन जाके फिर वापस जाता है ये, इसलिए ये रखा है। अभी पूरा चेक करूँगा। देखिए यूवी अल्ट्रा वायलेट का है, लाइट बढ़िया चल रहा है यूवी का है। देखिए फ्रेंड्स बढ़िया चालू हो रहा है। देखिए ऑटो कट वाला का भी है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो में जो भी कमी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इम्प्रूवमेंट कर दूंगा है, क्योंकि कमेंट करेगा तब पता चलेगा क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे और भी अच्छा से वीडियो बनाना क्या है। वीडियो में जो भी कमी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए ये ऑटो कट का है, जैसे आरओ में जब पानी भरने के बाद ऑटो कट होता है उसी का स्विच है, देखिए उसी का लगा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स ऑटो कट का है, फ्लोट स्विच का है, जैसे पानी भरते ऊपर उठता है, ऊपर उठने से तुरंत बंद हो जाएगा, वो भी चेक कर लिया। ऑटो कट वाला भी बढ़िया ही चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स, एकदम पूरा अभी वायरिंग ड्रेसिंग कर रहे देखिए, क्योंकि वायरिंग अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। अब देखिए फ्रेंड्स पूरा एकदम टकाटक कर दिया है, जो भी पूछताछ होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स आटा कट का भी चेक कर लिया पूरा है। देखिए ये ड्रिंकिंग वाटर का है, ये TDS एडजस्टर का, जैसे यहाँ से जा रहा है यहाँ से रुक गया। देखिए TDS एडजस्टर का भी अभी कनेक्शन दे रहा है। देखिए ये T यहाँ लगेगा, देखिए ऊपर से जो पहले लगा है ना उसका हटा दिया है, उसका लगा के एक T लगा दो। देखिए फ्रेंड्स ये एकदम बढ़िया चल रहा है आर वो, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ड्रिंकिंग वाटर का कनेक्शन भी दे दिया, आप वीडियो देखते रहिए लास्ट तक, वीडियो देखते रहिए, जो भी पूछताछ होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए ऑटो कट वाल्व है ना उसी का कैसे लगा रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके नल भी ऐसे लगाना है, आरओ का नल है ना, ये देखिए अंदर से नल का कैसे, अभी ये रिमूव कर देते हैं नल। देखिए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें पैकिंग में डिस्टर्बेंस होगा, पैकिंग में दिक्कत पड़ेगा कस्टमर का, उसमें प्री फिल्टर का साथ उसमें अंदर डाल के देना पड़ता है, क्योंकि इसमें लगा देगा फिर ढक्कन इसका है कहीं टूट जाएगा लोडिंग में। देखिए पैकिंग करेगा एक्सपोर्ट करने से दिक्कत पड़ता है इसलिए उसका हटा दिया। देखिए यही है 16 लीटर कार हुआ, नीचे देखिए तुरंत पानी करवाने के लिए खाली करने के लिए भी रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स एकदम पूरा बढ़िया हो गया है। देखिए आरओ का जो बोल्ट नट है ना उसका स्क्रू जंग लग के नीचे गिर गया, इसलिए ये कवर लगा दिया है। कवर लगाने के बाद फिर इसका ऑटो कट वाला है। देखिए फ्रेंड्स इसका ऑटो कट फ्लोट स्विच बोलता है इसका है, फ्लोट वाल भी फिटिंग कर रहा है। देखिए खाली इसका पुश करना है ऊपर वाला का, नीचे थोड़ा टाइट करना है और कुछ नहीं, बस। देखिए फ्रेंड्स ऐसे लगा दिया, बस ऑटो कट का काम हो गया।
अब देखिए फ्रेंड्स बढ़िया चल रहा है ये वो आर ओ का नीचे वाला बाड़ी है देखिए, और एक बार भी आपका दिखा रहा है पूरा है एकदम बढ़िया। देखिए आटा कटवा भी बढ़िया आ रहा है, चेक कर लिया पूरा है, लाइट भी चल रहा है, आर ओ भी बंद हो रहा है, दो तीन बार इसका चेक भी कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स आर ओ बूस्टर पंप का है, उसका पूरा है एकदम बढ़िया चल गया, आर ओ पूरा बन गया है जैसे आर ओ था शुरू से, आर ओ बूस्टर पंप पे। उसके बाद सेडिमेंट फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, एसी वाल्व है, सब सामान इसमें यूज हो रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप बताना था देखिए, अभी वो बाड़ी खोला था ना उसका टाइट कर रहा है, देखिए जैसे खोला है ऐसे टाइट करना है, फिर साइड पर भी स्क्रू रहता है, साइड वाला भी देखिए दो स्क्रू है, उस तरफ भी एक है, इस तरफ भी एक है, देखिए पूरा टाइट कर दिया फ्रेंड्स, देखिए एकदम बढ़िया टाइट कर दिया। अब पूरा टाइट कर दिया है देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। अब चलिए आर ओ का हम बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से इनपुट का पानी दे रहा है देखिए, अभी बढ़िया से सुन लीजिए फ्रेंड्स, इनपुट है, इनपुट से देखिए सेडिमेंट फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर से ओके देखिए ऊपर एरो मार्क भी कार्बन फिल्टर में आ रहा है, देखिए कार्बन फिल्टर में ओके, आउटपुट है सोलेनॉइड वाल्व में आ रहा है, देखिए एसी वाल्व में आ रहा है, एसी वाल्व के बाद जाएगा बूस्टर पंप मोटर पे, ये देखिए इसमें सिंबल रहता है मोटर पे, देखिए फ्रेंड्स उसके बाद जा रहा बूस्टर पंप पे, बूस्टर पंप से ओके मेमोरिन में जा रहा है, मेमोरिन हाउसिंग में, मेमोरिन से दो कनेक्शन है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, देखिए आउटपुट है ये रिजेक्ट वाटर का है, एफ आर लगा हुआ ना ये रिजेक्ट वाटर का है, एफ आर 450 लगा हुआ रिजेक्ट वाटर का है, और एक ड्रिंकिंग वाटर का है, ये ड्रिंकिंग वाटर का है, पीना का पानी आता है ना इसी का है, सीधा पीना का पानी आएगा इसमें जाके यहाँ से ओके, फिर अल्ट्रावायलेट में जाएगा, यूवी में जाएगा, यूवी से पानी भरने के बाद यहाँ से आउटपुट होगा, इसमें से आउटपुट होके यूएफ फिल्टर में जाएगा, यूएफ फिल्टर के बाद कापर वाला फिल्टर में जाएगा, कापर वाला के बाद हम लोग ड्रिंकिंग वाटर कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ड्रिंकिंग वाटर से आ रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए फिर भी है टीडीएस एडजस्टर के लिए कैसे, देखिए फिर भी यहाँ से ओके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर से आ रहा है, देखिए फिर भी बता रहा है, और एक बार भी देखिए फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ से हो रहा है, देखिए बूस्टर पंप पे एक टीडीएस एडजस्टर का कनेक्शन बता रहा है, देखिए टीडीएस एडजस्टर टी लगा हुआ यहाँ से ओके, ये देखिए टीडीएस एडजस्टर स्क्रू टाइप है, यहाँ से लूज करेगा ना पानी आगे बढ़ेगा ऊपर से, देखिए अभी लूज कर दिया है, जैसे प्रेशर से पानी आएगा स्क्रू लूज करेगा ऊपर भी पानी जाने लगेगा, देखिए एकदम कम खोलना है, ऊपर से पानी खोलेगा इसी रस्सा में आके, यहाँ से आके ये टी से आके इधर ही रहेगा, यहीं से ये हाउसिंग का अंदर जाएगा पानी, देखिए वहाँ से हाउसिंग का अंदर है पूरा फिट हो चुका है, यही आर ओ का डायग्राम है, पूरा आर ओ के बारे में सब कुछ बता दिया। अब चलिए आर ओ मेमोरिन कैसे इंस्टॉल करता है देखिए, सबसे पहले ढक्कन खोल दिया, इसमें दो वाशर रहता है, रिंग रहता है वो लगा दिया, ब्लैक कलर का भी लगा दिया, एक देखिए रोज कलर का था अंदर लगा दिया, उसका तो मेमोरिन देखिए सबसे पहले जो वाशर रहता है वाशर का इन साइड में रखना है मेमोरिन का, देखिए फ्रेंड्स मेमोरिन है डायदा टीडीएस तक काम करेगा, जैसे मेमोरिन अंदर से देखिए एकदम पूरा आराम करके सीधा धक्का नहीं मारना है कभी भी, मेमोरिन का है देखिए यहाँ तक रुक के फिर दायना है नहीं तो बायां घुमाना है, देखिए इधर घुमाओ नहीं तो उधर घुमाओ, पुश करके हल्का से पुश करके इसका घुमाएगा ना, हल्का से पुश करके
फिर इसका प्रेशर दबाएंगे, फिर एकदम अंदर बढ़िया से लॉक हो जाएगा। दाहिने नहीं तब बायां घुमाना है, उसके बाद पुश करना है। देखिए बढ़िया से लॉक हो गया आपका, सामने देखो, और एक बार भी निकालने की कोशिश करते, देखिए एकदम बढ़िया हो गया। और एक बार भी देखो, एकदम अब लॉक हो गया। फिर दाहिने नहीं तब बायां घुमाना है, घुमाने से ये पूरा लॉक हो जाएगा, एकदम पूरा है। अगर नहीं घुमाएगा लॉक नहीं होगा है। चलिए RO मेमोरी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देख लिया है, उसके बाद RO मेमोरी कैसे निकालना है ये भी बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि RO मेमोरी इसमें लगा के RO नहीं बेचता है, कहीं जगह का TDS कम ज़्यादा होता है, उसी हिसाब से मेमोरी डाल के देना पड़ता है। अगर आप सीधा आके मंगवाएगा तो RO का उसी मेमोरी डाल सकता है, ये तो एक्सपोर्ट में जाता है RO, जैसे बना के इसका डिलीवरी हो जाता है तुरंत, इसलिए मेमोरी अलग से खरीदना पड़ता है। चलिए मेमोरी कैसे निकाल रहे, देखिए फ्रेंड्स, पेचकस से ऐसे करेगा, स्क्रू ड्राइव से आराम से निकल जाएगा एकदम पूरा, और ज़्यादा ज़बरदस्ती लगाने का ज़रूरत नहीं। अब चलिए खाली हो गया, मेमोरी कैसे लगाना ये भी बता दिया, कैसे निकालना ये भी बता दिया। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना दोस्त लोग का शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए हमारा MPR RO चैनल का, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है फ्रेंड्स, सपोर्ट कर दीजिए। अब चलिए कवर लगा रहे हैं, RO में सारे पैड पास लग चुका है, जो भी ऑटो कटवाल वो भी चेक कर लिया है, पूरा सारे तामझाम लगा दिया है। अब चलिए बॉडी कवर लेके स्क्रू लगा रहे हैं, स्क्रू लगाने के बाद पैकिंग करने, पैकिंग करने के बाद RO में जो भी सामान आता है साथ का साथ वो भी देना है। देखिए RO का एकदम पूरा चकाचक हो गया है, अभी इसका स्क्रू लगा रहा है। देखिए पूरा काम हो चुका है, वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा लेंथ आ रहा है वीडियो हो गया है, लेकिन आप लोग का है सारे जानकारी होना चाहिए बोल के इतना लेंथ में वीडियो बनाया है। चलिए पैकिंग कर देते हैं, RO का स्क्रू लगा दिया पूरा है, अब पैकिंग बॉक्स लेके इसका सीधा पैकिंग ही करना है। देखिए फ्रेंड्स पूरा पैकिंग ही चल रहा है, अभी बोलने का जरूर नहीं, देखना है अभी काम, मतलब आपका देखते रहना है। देखिए वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पूरा पैकिंग जैसे पैकिंग हो रहा है वैसे पैकिंग है, पैकिंग करके इसका एक्सपोर्ट भेजना है एकदम पूरा है, बाहर जाता है डिलीवरी के लिए। देखिए इनपुट कनेक्शन आउटपुट कनेक्शन है एकदम बढ़िया से देना है, क्योंकि RO लेने वाला है उसका नहीं पता है इनपुट कनेक्शन है आउटपुट कनेक्शन का है, अगर अंदर से उल्टा दे देगा गड़ी उड़ी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स पूरा पैकिंग हो गया, इसका टेप मार के पूरा एक बक्सा में डाल देता है। चलिए फ्रेंड्स पूरा एकदम पूरा इसका टेप मारना है, टेप मारने के बाद ही पता चलता है। देखिए पैकिंग एक्सपोर्ट का कैसे करता है सीखिए। अब देखिए फ्रेंड्स पूरा एकदम टेप मार के एकदम बढ़िया चकाचक हो गया है। अब पूरा फुल पैकिंग हो चुका है, देखिए आपका सामने सारे पैकिंग करवा रहा है। देखिए फ्रेंड्स अभी जो RO का जो बॉक्स है ना वो बॉक्स में इसका डालना है, अभी फुल पैकिंग हो गया है, बॉक्स में डाल के टेप मार देगा, 100% पैकिंग कंप्लीट है। ये देखिए RO का 16 लीटर का RO है उसका बॉक्स है। अब देखिए फ्रेंड्स बॉक्स में RO उठा के डालना है, देखिए फ्रेंड्स पैकिंग कैसे हो रहा है क्या है, अभी हमने इसमें बोलने का जरूर नहीं, आप वीडियो देखते रहिए, सूख जाएगा एकदम पूरा है। अब देखिए पूरा बॉक्स में रख दिया एकदम पूरा, पैकिंग का ही चल रहा है फ्रेंड्स, वीडियो देखते रहिए कैसे पैकिंग करता है, कैसे एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए वीडियो के बारे में जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स।
देखिए फ्रेंड्स पूरा काम हो चुका है, एकदम आरओ बना के इसका पूरा एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए अब हो गया फिनिशिंग इसका, बताइए इसका टेप मारना है। देखिए फ्रेंड्स अभी पैकिंग हो चुका है, अभी टेप मारता है, देखिए आपका सामने है। अब देखिए पूरा टेप मार के इसका सेलो टेप से पूरा पैकिंग कर दिया, उसके बाद इसका रस्सी से पूरा पैकिंग करके पूरा जैसे उठाना का जैसे उसी हिसाब से बनाना है, चारों तरफ इसका रस्सी से पूरा बांधना है। देखिए ये आर ओ का है डायग्राम, अक्वा प्रेस 16 लीटर का उसमें लिखा है। देखिए यही आर ओ है अभी बनाया हमने, जैसे इसमें पिक्चर पे जो आर ओ है इसी का ही बनाया था अभी। देखिए आप सपोर्ट, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, हमारा एम पी आर आर ओ चैनल का है, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए पूरा एकदम रस्सी से टकाटक बांधना है इसका, बाहर ले जाने के लिए सही रहेगा। देखिए पूरा पैकिंग एकदम बढ़िया हो चुका है। अब चलिए इसका बाद जो भी है पैकिंग का सामान साथ ही के साथ आता है, जो इसका साथ कौन सा सामान आता है वो भी दिखाऊंगा। देखिए कौन सा सामान आर ओ का, एक आर ओ इंस्टॉल करवाने के लिए क्या क्या सामान लगता है वो भी बता दूंगा, साथ का साथ ही आ जाएगा। अब चलिए आर ओ का काम हो चुका है इसमें। एकदम पूरा 100% पैकिंग हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए आपका सामने आर ओ कैसे बना के इसने पैकिंग भी कर दिया है। देखिए देखिए एकदम पूरा एकदम बढ़िया से का चकाचक पूरा टाइट करके बढ़िया से रख दिया आर ओ असल टाइट साइड करके। देखिए फ्रेंड्स पूरा टाइट हो चुका है, एकदम बढ़िया हो गया, डबल साइड रस्सी का है, पैकिंग भी एकदम मस्त हो गया। अब चलिए आउटसाइड फिल्टर का चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये प्री फिल्टर है, जैसे बाहर लगता है आर ओ में, कोई भी आर ओ में लगता है, इसमें कोई भी आर ओ में यूज़ कर सकता है, आउटसाइड में रहता है इसका प्री फिल्टर बोलता है, अंदर जो कैंडल लगता है वो फ्री फिल्टर हाउसिंग का है, ये फ्री फिल्टर हाउसिंग है, वो प्री फिल्टर है। देखिए इसी का नाम है फ्री फिल्टर हाउसिंग, रिफ्लेक्ट वाला है, देखिए जो दिखाई दे रहा है ना, इसलिए रिफ्लेक्ट वाला प्री फिल्टर हाउसिंग है आर ओ का, 10 इंची फ्री फिल्टर हाउसिंग है। अब चलिए टैप कनेक्टर डाल दिया है, टैप का डाल दिया, एक टैपलान टैप भी डाल दिया है, फ्री फिल्टर हाउसिंग का 2 कनेक्टर भी डाल दिया है। एक्स्ट्रा जो चीज़ लगता है आर ओ में वो सब कुछ दे रहे हैं, देखिए कनेक्टर भी है। अब देखिए फ्रेंड्स एकदम पूरा आर ओ का साथ जो जो मटेरियल है वो सारे आ रहा है। देखिए वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड। ये फ्री फिल्टर हाउसिंग है, देखिए नेक्स्ट ही एक फ्री फिल्टर है, देखिए फ्री फिल्टर हो गया, उसके बाद ये नॉर्मल है, ये वो रिफ्लेक्ट वाला है, ये नॉर्मल वाला फ्री फिल्टर हाउसिंग है। देखिए एक 2000 TDS का मेमोरी है, एक फ्री फिल्टर है, एक फ्री फिल्टर हाउसिंग 2000 TDS का एक मेमोरी है, एक हो गया पाइप है 10 मीटर का पाइप है। देखिए फ्रेंड्स यही सामान आएगा आर ओ का साथ है, उसके बाद जो भी टैप कनेक्टर है जो भी है टैप का है सारे कनेक्टर उसमें डाला हुआ है। अब देखिए ये कवर से पूरा इसका पैकिंग करके
आरओ का साथ ही इसका देना है। वीडियो अच्छा लगा था लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। देखिए आगे का जो भी पूछताछ करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। चलिए।